कितना धूल जम गया यार। लेकिन ये बहुत अच्छे से साफ भी हो जाता है। हवा में क्या क्या उड़ता रहता है यार। और ये हाँ, ये थोड़ा यहाँ से कांच लगी, ये स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है। हल्का फुल्का स्क्रैच आ जाए तो आप ऐसे इसको गायब कर सकते हो। ठीक है यार। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हेलमेट का वो है वाइज़र। अब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका जो वाइज़र है ना, ये क्लियर वाइज़र है और फिंगरप्रिंट तो भाई इसमें लाजवाब आएगा आपका। जहाँ भी पकड़ोगे, कहीं भी पकड़ लो इस हेलमेट की फिंगरप्रिंट, आप छोड़ के जाओगे तो आपको बार बार साफ़ करना पड़ेगा, ये साफ करना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा लॉक दिया गया है, ठीक है। इसको नीचे की तरफ ऐसे लाओ और इसको ऊपर की तरफ पूरा खोल सकते हो, ठीक है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप भी खोल सकते हो, ऐसे 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 पूरा लगा लो, ठीक है। अगर आप थोड़ा स्पीड में जा रहे हो और आपको लग रहा है कि थोड़ा व्हिसल जैसा साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका वाइजर अच्छे से नहीं लगा, यहाँ पे थोड़ा गैप रह गया। उसको थोड़ा ऐसे प्रेस करो और इसको ऐसे लॉक कर दो, कोई हवा नहीं आएगा, आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है। बहुत कम आवाज़ आता है इसके अंदर, लेकिन ये एंटी फॉग नहीं है। इसके अंदर फॉग आएगा और ऐसे टाइम पे फॉग आना मतलब आप जब बहुत स्पीड में जा रहे हो और फॉग आ गया मतलब आपका बैलेंस बिल्कुल बिगड़ना बिल्कुल पक्का है। तो मैं जब भी ये चलाता हूँ रात को ठंड के मौसम में या बारिश में, तो मैं इसको ऐसे निकाल के चलाता हूँ, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पे थोड़ा फॉग आने लगे तो इसको थोड़ा एडजस्ट करो, किस तरफ घुमाना है इसको देखो, ठीक है। तो ये फॉग थोड़ा हद तक कम कर देगा। अब बात करते हैं एक और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है हेलमेट का, वो है इसका पैडिंग। भाई इसका पैडिंग मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल मतलब मेमोरी फोम जैसा है, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा है। मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, लगभग एक दो मंथ हो गया है इसको यूज़ करते हुए, तो मुझे पता है इसका पैडिंग कैसा है, ठीक है। ये पैडिंग ना बिल्कुल रिमूवेबल पैडिंग होता है, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हो, तो ये यहाँ पर हुक लगाया गया है, ओके। यहाँ पर लगाओ, प्रेस करो, लग जाएगा, ठीक है। अब आप धोके बिल्कुल नया जैसा कर सकते हो और उसको वापस से लगा दो, ठीक है। और अगर ये ख़राब भी हो जाता है ना, पूरा ख़राब हो जाता है ना, तो ये इसका ये वाला जो अंदर का जो पैडिंग है ना, वो आप ले सकते हो, ठीक है, सही है। और मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पास से दिखाता हूँ पैडिंग कैसा है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसा लेदर जैसा फिनिश दिया गया, यहाँ से मैचिंग किया हुआ, ये है ना, ये सॉफ्ट प्लास्टिक का बना हुआ, ठीक है। और ये थोड़ा लेदर का दिया गया है, सिलाई भी बहुत अच्छी तरह से दिया गया, अंदर का कपड़ा भी बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ दिया गया है नॉर्मल लॉक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे लगाओ जो नॉर्मल वाला होता है स्टील बार के अंदर, यहाँ से लगाओ, खींचो, निकल जाएगा। इसमें डबल डी लॉक नहीं दिया गया, तो आप इसके ट्रैक में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मल यूजेस के लिए अच्छा है, क्विक रिलीज हो जाता है, ठीक है। वो वैसे जो डबल डी वाला जो लॉक है ना, वो ट्रैक के लिए बहुत अच्छा होता है, वो निकलता नहीं है। आप गिर भी जाओगे तो आपका सेफ्टी रहेगा, हेलमेट आपके सिर से निकलेगा नहीं। बात करते हैं इसकी एक और खासियत, क्या है इसका, इसका खासियत है ये का वेंटिलेशन सिस्टम, सही है। कितना वेंटिलेशन दिया गया यहाँ, चिन के पास एक वेंटिलेशन दिया गया, बहुत मज़ेदार है इसका, मतलब लुक भी बहुत अच्छा लगता है, ये कर सकते हो। फिर यहाँ इसकी फोरहेड के सामने भी एक वेंटिलेशन दिया गया है, ठीक है, इसको एडजस्ट करो। फिर इसकी हेड के ऊपर बिल्कुल ऊपर एक और वेंटिलेशन दिया गया है, जो सारा हवा यहाँ से अंदर जाके यहाँ पीछे से निकाल देता है, तो अंदर बहुत हद तक ना गर्मी नहीं रहता है, बिल्कुल गर्मी नहीं रहता है। आप बहुत अच्छी तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। और भाई थोड़ी देर यूज़ करने के बाद फिंगरप्रिंट तो भाई लाजवाब आता है, क्योंकि ये ग्लॉसी है। और अगर आप फिंगरप्रिंट पसंद नहीं करते हो तो मैट वाला ले सकते हो, तो मुझे तो ये ग्लॉसी वाला ज़्यादा अच्छा है। चिन के पास जो ये कपड़ा दिया गया है ना इलास्टिक जैसा, ये बहुत अच्छा है, देखने में सिंपल लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। मतलब मैं बताता हूँ कैसा काम की चीज़ है। अगर आप
ब्लॉगिंग करते हो, ठीक है, यहाँ पे गोप्रो लगाया, इसमें बहुत अच्छी तरह से गोप्रो आ जाता है, ठीक है। जो चीन का जो एक और होता है ना हेलमेट, जो यहाँ से थोड़ा लंबा करके होता है, जो डर्ट बाइक के लिए यूज़ होता है, उसमें आप अच्छे से गोप्रो नहीं लगा सकते हो चीन के पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने गोप्रो लगाया तो माइक यहाँ पे छुपा सकते हो, और इस कपड़े की वजह से ना यहाँ पे हवा बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम आता है, ठीक है, आपको नॉइज़ सुनाई नहीं देगा। इसके अंदर जो छोटे छोटे कपड़े यूज़ किए गए ना, वो नायलॉन के यूज़ किए गए, और यहाँ इसके ईयरपीस के पास वो पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये भी नायलॉन का बहुत अच्छा कपड़ा यूज़ किया गया। यहाँ पे छोटे छोटे होल दिए गए ताकि इसकी बाहर से अगर कोई आपको हॉर्न बजा रहा होगा, कोई बुला रहा है, आप सुनाई नहीं देगा तो कैसा लगेगा। हेलमेट के अंदर सुनाई नहीं, ऐसा नहीं है, इसको सुनाई देता है, बिल्कुल सन्नाटा नहीं होगा इसके अंदर, मतलब साउंड काफ़ी हद तक कम हो जाता है लेकिन सुनाई देगा, आपका कार का हॉर्न सुनाई देगा, कोई बुला रहा है वो भी सुनाई देगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी, भाई अच्छा है, प्लास्टिक बिल्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। उसका वाइजर भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, वाइजर बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है, नहीं ऐसा नहीं है, उसके भी स्क्रैच आता है, यहाँ भी कह जाता है, यहाँ लिखा हुआ कि एंटी स्क्रैच रेजिस्टेंट है, लेकिन स्क्रैच तो भाई कुछ भी हो, स्क्रैच तो आ ही सकता है कहीं से भी, आपके हाथ में अंगूठी है यहाँ लग सकता है तो स्क्रैच आ जाएगा, ठीक है। वाइजर भी स्क्रैच आता है, फिंगरप्रिंट आप देख लो कितना सारा रहता हूँ, फिंगरप्रिंट आ जाता है, ठीक है, धूल मिट्टी चिपक जाता है। तो वाइजर मैं बोलूँगा कि अगर 5 में से रेटिंग देना होगा तो मैं सिर्फ 2.5 दूंगा, ठीक है, 2.5 दूंगा, इतना ज़्यादा भी मतलब बढ़िया नहीं है, ठीक है। और क्वालिटी का भी बात कर रहा था, इसका क्वालिटी यहाँ पे ISI मार्क किया गया, ठीक है। तो जिसको शक है कि इसका क्वालिटी ख़राब है, भाई खरीदो और थोड़ा मार के देख लो कैसा लगता है। मुझे इसकी ISI मार्क के ऊपर पूरा भरोसा है, ठीक है, अच्छा है, चल जाता है, मतलब आप सेफ में सेफ रहोगे आप, ठीक है। तो अगर गिर गिर भी जाओगे ना तो आपका सिर बच जाएगा, ठीक है, हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ है जो मैं इतना दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब स्टील बैट का जो है ना हेलमेट का जो साइज़ है ना वो थोड़ा अलग होता है, हर कंपनी का हेलमेट का साइज़ अलग अलग होता है, ठीक है। अगर स्टील बैट का ले रहे हो तो थोड़ा लूज हो सकता है, ठीक है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं भी यहाँ से थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, वो बाद में देता हूँ, ठीक है, मेरे मुझे भी थोड़ा सा लूज हो गया है। इसका वेट ना लगभग 1350 प्लस 50 ग्राम है, मतलब 1.5 किलो के आसपास होगा, ठीक है, लगभग 1.5 किलो के आसपास। मैं 1.5 किलो के बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके पास में आ जाएगा। वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो भाई कमाल का है, मतलब 1-2 दिन आपको प्रॉब्लम होगा लेकिन तीसरे दिन आपको लगेगा ये बहुत अच्छा है भाई, आपको पता ही नहीं लगेगा आप 1.5 किलो लेकर घूम रहे हो, ठीक है। तो बस इतना ही है, हेलमेट हमेशा पहनो, अच्छा स्टाइलिश से हेलमेट ले लो, और ये जो हेलमेट है ना मतलब कम बजट के अंदर बहुत अच्छा होता है, ठीक है, मुझे बहुत पसंद आया, बाकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, तो चलते हैं।